नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। भाजपा नेता अमित शाह ने किया ऐलान, हरियाणा में बीजेपी का होगा सीएम, जेजेपी का होगा डिप्टी सीएम। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक का हुआ ट्रांसफर, गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। बीजेपी को गोपाल कांडा के समर्थन पर मनीष सिसोदिया ने कसा तंज, कहा कल का बलात्कारी बीजेपी के लिए चमत्कारी। बीजेपी को गोपाल कांडा के समर्थन के विरोध में सामने आई उमा भारती, कहा इसकी वजह से लड़की ने की थी आत्महत्या। गोपाल कांडा पर सवाल पूछे जाने पर एंकर पर भड़के बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, कहा सिर्फ सवाल करेंगी या जवाब भी सुनेंगी। बिहार उपचुनाव में AIMIM के प्रत्याशी की जीत को लेकर गिरिराज सिंह ने सामाजिक समरसता के लिए बताया खतरा, कहा अब भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। 24 घंटे में अमित शाह ने बदला हरियाणा का राजनीति रंग, बनाया हरियाणा में सरकार। भारतीय रेलवे ने रद्द की 150 से ज्यादा ट्रेनें, भारतीय रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं रद्द ट्रेनों की लिस्ट। गोपाल कांडा ने हलफनामे में दिया था अपने ऊपर लगे आरोपों का हिसाब, गिनाए थे कई मामले। रिलायंस जियो ने लॉन्च किए 4 नए ऑल इन वन प्लान्स, ₹75 के टॉक टाइम के साथ डेटा भी उपलब्ध। गांधी की हत्या मामले में निर्दोष साबित हुए सावरकर, गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने सावरकर को बताया निर्दोष। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वार बनी वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, रिलीज से महज 22 दिनों में कमाया 433 करोड़। चक्रवात क्यार के कारण तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश की संभावना, तमिलनाडु में मौसम रहेगा शुष्क। ओडिशा में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, 3 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के बोकारो में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जताई भारी बारिश की संभावना। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के ऑफिस में घुसकर टिकटॉक स्टार ने बनाया वीडियो, हरीम शाह का वीडियो हुआ वायरल। नवाज शरीफ से अस्पताल मिलने पहुंची बेटी मरियम, खुद हो गई बीमार, डॉक्टर ने बताया इन्फेक्शन। लाल ब्लाउज और सफेद साड़ी में दिखा प्रियंका चोपड़ा का स्वैग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फोटो। रमेश तरौनी की दिवाली पार्टी में शामिल हुए कई बॉलीवुड सितारे, सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर कई बड़ी हस्तियों ने की शिरकत। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर होया पर लगा रेप का आरोप, नर्स को शराब पिलाकर की जबरदस्ती। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।